हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर ट्यूटोरियल। आज मैं आपको इंडिटर्मिनेंट फॉर्म का टाइप फोर स्टार्ट करने वाला हूँ। टाइप फोर बताने का मतलब, टाइप फोर मैं बोला हूँ तो टाइप फोर में क्या डिफरेंट होगा टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री से। टाइप फोर में देखिए क्या है, जीरो इंटू इन्फिनिटी, और इसमें मैंने एक और टाइप ही रखा है इसी में ही, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये दो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म, क्योंकि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी करोगे हमें क्या मिलेगा, कुछ इन्फिनिटी में ही आंसर मिलेगा ना, क्योंकि इन्फिनिटी खुद फिक्स नहीं है, वो क्या वैल्यू है, इनफाइनाइट है जो हम अनकाउंटेबल कर सकते हैं। और इस फॉर्म को क्यों इन्फिनिटी पर, जीरो इंटू इन्फिनिटी को इंडिटर्मिनेंट फॉर्म में रखा है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा इन्फिनिटी होता है वो क्या होता है। अगर आप देखिए, ज़ीरो तो ये है, इसको इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हो, वन अपॉन ज़ीरो, तो ये वन अपॉन ज़ीरो आ जाएगा, तो ज़ीरो अपॉन ज़ीरो हो जाएगा। या तो फिर आप क्या काम कर सकते हैं इसी को, और इन्फिनिटी पहले से है, अगर ज़ीरो का इन्वर्स करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इसी को वन अपॉन इन्फिनिटी। ज़ीरो को जगह पे ये भी तो लिख सकता ना, वन अपॉन इन्फिनिटी का मतलब ही होता है ज़ीरो। देखिए, तो ये भी क्या हुआ, एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया, इसीलिए ये टाइप फोर में। टाइप फोर में हम कौन से सम करेंगे, ये दो टाइप के। तो चलिए, मैं इसका फर्स्ट टाइप का, ये टाइप का मैं सम कराने वाला हूँ। तो चलिए देखिए, एक एग्जांपल लेता हूँ और उसे सॉल्व करते हुए मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से इस टाइप का सम सॉल्व किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये है आपके सामने एग्जांपल। इसे हम क्या लेते हैं, पहले लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। एल इसे ले लेते हैं, लिमिट है हमारा जो है लिमिट वी टेंस टू ज़ीरो, वी के रिस्पेक्ट में करना है, तो वी हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। वी स्क्वायर वन माइनस ई रेस टू माइनस टू जी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। देखिए, सबसे पहले अगर v के जगह पे हम क्या, ज़ीरो नहीं इन्फिनिटी है ना, यहाँ पे इन्फिनिटी, अगर v के जगह पे इन्फिनिटी डालते हैं तो देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें एक इन्फिनिटी ही मिलेगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इन्फिनिटी मिल गया। चलिए, ये किस फॉर्म में हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया, वन माइनस ई रेस टू माइनस टू जी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, v टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी है, v की जगह पे इन्फिनिटी डालते हैं, इन्फिनिटी क्या जो आ रहा है वो क्या है, अपॉन में इन्फिनिटी आ रहा है। किसी भी रेस टू, अगर किसी भी नंबर से अगर इन्फिनिटी डिवाइड होता है तो उसका मतलब ही होता है, उसका क्या हो जाएगा, ज़ीरो। वन अपॉन इन्फिनिटी का मतलब ही होता है वन, जो कुछ भी नंबर हुआ इसका मतलब ही होता है उसका क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो। ई रेस टू माइनस ज़ीरो का मतलब ये होता है, ई रेस टू ज़ीरो बोलो या ई रेस टू माइनस, क्योंकि ज़ीरो जो रहता है ना इधर पॉजिटिव होता है नॉर नेगेटिव होता है, इसीलिए ई रेस टू ज़ीरो का वैल्यू क्या होता है आपको पता ही है, वन होता है, वन होता है ना। इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा, वन मिलेगा। वन माइनस वन क्या होता है, ज़ीरो होता है। देखिए ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, मीन्स इन्फिनिटी मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, ज़ीरो से। ये हो गया ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को में, इसीलिए ये टाइप फोर में, टाइप फोर के सब में आता है। तो चलिए, इसे कैसे सॉल्व करना है, तो आपको पता है फिर हमें क्या काम करना है, इसे या तो ज़ीरो बाई ज़ीरो में लाएं या तो इसे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में लाते हैं। तो चलिए, हम क्या काम करते हैं, इसे ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में भी ला के सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये क्या हो जाएगा, वन माइनस ई रेस टू माइनस टू जी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, न्यूमरेटर बन गया, और वी स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, वन अपॉन वी स्क्वायर। वन अपॉन वी स्क्वायर का मतलब ही देखिए, ये टर्म ऊपर जाएगा और ये वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर वापस से बन जाएगा। इसका मतलब ये एक वैलिड स्टेप है, वन अपॉन वी स्क्वायर लिख सकते हैं, वी स्क्वायर की जगह पे मल्टीप्लाई जो फॉर्म था इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए, जब देखिए इस फॉर्म में आ गया है तो हम क्या काम कर सकते हैं इसका, इस फॉर्म में आने के बाद हम इसके आगे क्या करेंगे। देखिए, ये आपको ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म में मिल गया है, इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिल रहा था, ज़ीरो। और देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, वी की जगह पर अगर इन्फिनिटी डालते हैं, वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो होता है, इसका मतलब ज़ीरो बाई ज़ीरो। मीन्स इसमें क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, जो भी मेरा लिमिट रहेगा उसका हम क्या काम करेंगे, न्यूमरेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए करते हैं, वन का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
ज़ीरो होता है। v के रिस्पेक्ट में आपको याद रखना है, डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में नहीं करना है पे। तो चलिए आगे हम क्या काम करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 का 0 माइनस e रेस टू v, क्या होता है e रेस टू v, लेकिन माइनस है इसलिए माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2gx डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, जो कि देखिए e रेस टू x का क्या होता है, e रेस टू x आता है, v को मैं x मान रहा हूँ, e रेस टू x का अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो e रेस टू x, फिर इसका अगेन डेरिवेटिव होगा, इसका अगेन डेरिवेटिव होगा तो माइनस माइनस इसीलिए प्लस आ गया था। 2 एक कांस्टेंट है, g भी एक कांस्टेंट है, x भी एक कांस्टेंट है, लेकिन v कांस्टेंट है क्या, लेकिन v क्या है, अपॉन में है, वन अपॉन वी स्क्वायर में है। वन अपॉन वी स्क्वायर का अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये कहाँ चला जाएगा, v रेस टू माइनस टू, और इसका डिफरेंशिएशन आता है माइनस थ्री आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू, मीन्स माइनस टू डिवाइडेड बाय v रेस टू थ्री आ जाता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, मल्टीप्लाई बाय माइनस टू डिवाइडेड बाय v रेस टू थ्री। ये सिर्फ न्यूमरेटर का हुआ, ये अभी हमारा क्या हुआ, न्यूमरेटर का हुआ। अभी डिनोमिनेटर का इसी तरह से है, तो इसका भी क्या मिलेगा हमें, माइनस टू अपॉन v रेस टू थ्री मिलेगा। तो ये देखिए न्यूमरेटर का भी हो गया, डिनोमिनेटर का भी हो गया, तो देख रहे हैं ये टर्म से ये टर्म पूरा कैंसिल हो जा रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जा रहा है, हमारा क्या टर्म बचा है, लिख देते हैं उसे, लिमिट v टेंस टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस टू जी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, टू जी एक्स है, बाकी सब तो कैंसिल हो गया है ना। तो आगे चलिए सॉल्व करते हैं इसका, देखिए ये क्या, ये कंप्लीट टर्म मल्टीप्लीकेशन है, ई रेस टू ये जो टर्म है ये वाला, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है टू जी एक्स। देखिए इसके यहाँ पे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कुछ है क्या, नहीं है, मतलब वन है, तो हम क्या काम कर सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अभी चेक करते हैं, अगर v के जगह पे अगर हम इन्फिनिटी डालते हैं तो हमारा फिर से क्या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में मिल रहा है क्या, अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में है, मिल रहा है हमें, तो इसे आगे सॉल्व करना पड़ेगा, अगर नहीं मिल रहा है तो वेल एंड गुड, हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया है। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, e रेस टू, देखिए e रेस टू माइनस टू जी एक्स वी स्क्वायर, वी स्क्वायर का मतलब v की जगह पे क्या डालना है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या आता है, इन्फिनिटी, हमें नहीं पता इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या आता है, इन्फिनिटी ही आता होगा, कुछ और कोई इन्फिनिटी आता होगा, टू जी एक्स हो जाता है। अगर किसी भी टर्म को इन्फिनिटी से डिवाइड होता है, इसका मतलब ही होता है वो वन अपॉन इन्फिनिटी का मतलब ही होता है ज़ीरो ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो अगर किसी कॉन्स्टेंट टू जी एक्स, ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल हमारे लिए क्या है इस समय, वी है सिर्फ, इसीलिए यहाँ पे ये सब कांस्टेंट है। अगर ज़ीरो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो ज़ीरो आता है, ई रेस टू ज़ीरो, ई रेस टू ज़ीरो हो जाता है इंटू टू जी एक्स, क्योंकि इसमें वी नहीं है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें यहाँ पे। और ई रेस टू ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो का हमें ई रेस टू ज़ीरो का वैल्यू वन मिलता है, इसीलिए टू जी एक्स मिलता है। इसका ये क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। जब भी आपको इस तरह के टर्म के अगर सम मिले तो आपको इसी तरह से करना है, अगर ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में अगर मिले तो आपको ज़ीरो बाय ज़ीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में आपको कन्वर्ट करके सॉल्व करना रहेगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।